हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। और पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज दोबारा मैं आपके लिए लेके आई हूँ MCQs ऑन जनरल नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड JNK। मिक्स MCQs रहेंगे, इंडिया से भी कुछ रिलेटेड होंगे, कुछ JNK की सामान्य ज्ञान से भी रिलेटेड होंगे। इन्हें हम डिस्कस करेंगे, फोकस हमारा कॉन्स्टेबल का एग्जाम रहेगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं। So, जो आज का पहला क्वेश्चन है, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नेवर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको बताना है, फ्रीडम स्ट्रगल से ये क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC का इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा पर्सन है जो कभी भी उनका प्रेसिडेंट नहीं रहा? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ये कभी भी INC के प्रेसिडेंट नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स। हमारी जो सरकार है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो काम करती है कानून बनाने का, जिसमें जो हमारी संसद आ जाती है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में जिसमें मिनिस्टर्स भी आ जाते हैं और सिविल सर्वेंट्स भी आते हैं, जिनका काम है जो भी कानून बनाए जा रहे हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन करना। और तीसरा आता है जुडिशरी। जुडिशरी न्याय व्यवस्था, जिसे ये देखना है कि सबको सोशल जस्टिस को एंश्योर करना और सबको न्याय मिल रहा है कि नहीं, उसे करना। तो दीज आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सो इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो ये एंश्योर करता है या प्रोटेक्ट करता है भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या जुडिशरी या फिर प्राइम मिनिस्टर? सो द करेक्ट आंसर इज जुडिशरी। पहला वाला तो पहले एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज इट इज नॉट अ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑर्गन नहीं है, बट वो एक ऑफिस है, ठीक है ना, वो ऑफिस है, एग्जीक्यूटिव के अंडर वो आते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, जुडिशरी। तो क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करनी है। अक्सर कभी कभी क्वेश्चन जो होता है ना, आप अगर बहुत अच्छे से उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, तो आंसर आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बार हम गलत कब करते हैं, जब हम क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ पाते, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि वो पूछ क्या रहे हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ DPSP आर बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इवन। बोरोड फीचर आपको याद रखने, फंडामेंटल राइट्स कहां से बोरो किए, DPSP कहां से बोरो किया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे देश में है वो कहां से की, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वॉल्केनो फाउंड? ये क्वेश्चन आई थिंक UPSC में भी एक बार पूछा गया है। भारत में एज इट इज क्वेश्चन नहीं था, उसमें से एक ऑप्शन इस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर बेस्ड था। पूछा जा रहा है कि भारत में एक इकलौता एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है, वो कौन से आइलैंड में पाया जाता है? ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है, क्लाइमेट से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। सो आपको बताना है कि भारत में एक्टिव वॉल्केनो किस आइलैंड पे पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरन आइलैंड। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बैरन आइलैंड जो है वो लोकेटेड कहां पर है, ठीक है। अंडमान निकोबार में है, दैट यू नो, बट किधर है? नॉर्थ में, मिडल में, साउथ अंडमान में, कहां पर वो लोकेटेड है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। द कोंकण कोस्ट स्ट्रेचेस बिटवीन। कोंकण कोस्ट जो है वो कहां से कहां तक स्ट्रेच करता है, कौन कौन सी स्टेट के बीच में वो लाई करता है? गोवा कोचीन, गोवा मुंबई, गोवा एंड दमन, गोवा एंड दीव। सो कोंकण कोस्ट की अगर हम बात करें, वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर ये होता है, अरेबियन सी को बॉर्डर करता है ये, और ये है गोवा और मुंबई के बीच में, गोवा एंड मुंबई के बीच में, ठीक। सो काठियावाड़ जो है वो रीजन आ जाएगा आपका गुजरात एरिया का, कोंकण कोस्ट हो गया आपका गोवा और मुंबई के बीच का,
देन मालाबार जो है वो आपका केरल और कर्नाटका और केरल की लाइन पे आ जाएगा, कोरोमंडल हो जाएगा आपके तमिलनाडु के एरिया में, एंड उसके बियॉन्ड आंध्र प्रदेश और अपर उड़ीसा तक का हो जाएगा उत्कल कोस्ट। ठीक है, तो ये सब कोस्ट के नाम आपको याद रखने, और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं उस पर्टिकुलर कोस्ट पे लाई करती हैं या उसे उसके बॉर्डर पर हैं। ठीक है, विच इज नोन एज गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, विच इज नोन एज गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी किसे कहा जाता है? सो गार्डन सिटी, बैंगलोर इज नोन एज अ गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट प्लेसेस में से ये क्वेश्चन है। बहुत सारे पार्क्स और बहुत सारी वहां पर जो ग्रीन स्पेसेस की वजह से उसे गार्डन स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द फाउंडर ऑफ रामबाग सिल्क फैक्ट्री इन 1897? रामबाग सिल्क फैक्ट्री जो कि श्रीनगर में पाई जाती है, उसे किसने एस्टैब्लिश किया था यह आपको बताना है। गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह या रंजीत सिंह? सो इट वॉज एस्टैब्लिश बाय महाराजा रणबीर सिंह। ठीक है, महाराजा रणबीर सिंह द्वारा इसे एस्टैब्लिश किया गया था। इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से ये क्वेश्चन है। सो द अर्लिएस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर इज, पुराना टेक्स्ट जहां पे कश्मीर का रेफरेंस मिलता है वो आपको बताना है। अर्लीस्ट मोस्ट रेफरेंस जो है कश्मीर का वो कहां मिलता है? ऑल्दो राजतरंगिणी हम जानते हैं कि वहां पर उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज जो है, राजतरंगिणी जो एक संस्कृत बुक है जिसमें कंप्लीट नॉलेज दी गई है, बट अर्लीस्ट पूछा गया यहां पर। ठीक है, उससे भी पहले, अगर उससे भी पहले हम बात करें कि कश्मीर का कहां जिक्र हुआ, अराउंड 6th to 8th century में, सो दैट वॉज इन नीलमत पुराण। ठीक है, अर्लीस्ट की बात करें तो दैट इज नीलमत पुराण। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है, और ये जो नीलमत पुराण है इसे कश्मीरा महात्मया भी कहा जाता है। ठीक है, कश्मीर की पूरी हिस्ट्री, रिलीजन, ज्योग्राफी, फोकलोर, हर एक के बारे में जानकारी जो है इसमें लिखी गई है, और यह माना जाता है कि नीलमत पुराण की एक जो पोएम है वही सोर्स रहा है राजतरंगिणी का भी। ठीक है, जो राजतरंगिणी जिन्होंने लिखी है, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उन्होंने नीलमत पुराण का ही एक हिस्टोरिकल पोएम को एज अ सोर्स यूज किया फॉर राइटिंग द राजतरंगिणी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्वॉन एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? भारत के पहले चीफ मिनिस्टर, भारत के नहीं सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर के पहले चीफ मिनिस्टर किने, वो कौन पर्सन है जिन्होंने पहली जो है शपथ ली एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? शेख अब्दुल्ला, मेहरचंद महाजन, करण सिंह या गुलाम मोहम्मद सदीक? सो द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर विच वॉज अराउंड 1965 से 1967 तक, दैट वॉज गुलाम मोहम्मद सादिक। क्वेश्चन नंबर 10, हु रोट वैली ऑफ कश्मीर? बुक एंड ऑथर में से ये क्वेश्चन, वैली ऑफ कश्मीर किनके द्वारा लिखी गई है? वॉल्टर लॉरेंस, अलेक्जेंडर करिंघम, दिवेन कृपा राम, गणेश दास वॉगनर? So, Valley of Kashmir has been written by Walter Lawrence. When was historic Indus Water Treaty based on the World Bank proposal signed? Year, आप सबको याद होगा, but यहां पर date भी आपको ध्यान रखनी है,
ईयर वी नो दैट इज 1960, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन होती है और मीडिएटर की तरह काम करते हैं वर्ल्ड बैंक. बट तारीख क्या थी? 29 सितंबर 1960 या 19 सितंबर 1970. तो पहला ये एलिमिनेट हो गया बिकॉज ईयर इज 1960. बट डेट क्या थी? डेट वॉज 19 सितंबर 1960. और किन किन के बीच में हुई थी? पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था मोहम्मद अयूब खान ने, और भारत की तरफ से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे दैट वॉज जवाहरलाल नेहरू. ये नाम भी आपको याद रखने हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट वुडन ब्रिज ज़ैना कदल वॉज बिल्ट बाय. पहला वुडन ब्रिज जिसका नाम ज़ैना कदल है वो किसके द्वारा बनाया गया है? श्रीनगर में जो है, सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान शिहाबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर. तो नाम से ही क्लियर है, ब्रिज का नाम भी ज़ैना रखा गया है तो वही जो है सुल्तान का नाम भी होगा. इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन. Which of the lake lie on the track of Amarnath Cave? Amarnath Cave के track पर कौन सी lake lie करती है? शेषनाग lake, Wooler lake, Dull lake या Tarsar lake? So correct answer is option number A, शेषनाग lake. Kong is the local name of which crops of J&K? जम्मू एंड कश्मीर की किस crop का local नाम Kong है? So, Kong is the local name of saffron. Saffron को locally Kong के नाम से जाना जाता है. JNK UT has been declared as agri export zone for कौन सी product, agriculture product को export करने का zone जो है जम्मू एंड कश्मीर UT को declare किया गया है? Apple and walnut, oil seed and tobacco, maize and tobacco, saffron and rape seed. So ये आप जानते हैं कि oil seed तो यहाँ पे इतना produce नहीं होता, tobacco भी इतना produce नहीं होता, तो export की बात नहीं हो सकती. जो जिस चीज़ के लिए famous है कश्मीर specifically, that is apple, walnut and saffron. आप सोच सकते हैं यहाँ पर जो है saffron के साथ rape seed भी है, तो mostly मोस्ट अप्रोप्रिएट जो बन जाता है दैट इज एप्पल एंड वॉलनट. कश्मीर के सेब और अखरोट जो हैं वो वर्ल्ड फेमस है एंड दैट्स व्हाई जम्मू एंड कश्मीर यूटी को डिक्लेयर किया गया है एज अ एग्री एक्सपोर्ट जोन ऑफ एप्पल एंड वॉलनट. हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत का पहले फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारन हेस्टिंग, लॉर्ड एमहरेस्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक. सो वारन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. 1772 से 1785 के बीच में इन्होंने इस पोस्ट पे ये रहे. ठीक है, 1772 से 1785 तक. क्वेश्चन नंबर 17 न्यूज़पेपर से रिलेटेड. Who among the following was the editor of Young India and Harijan? ये दोनों जो newspaper हैं इनके कौन editor थे Young India and Harijan के? Young India 1919 से 1931 के बीच में publish हुई और Harijan जो है वो 1933 से उसकी publication start हुई और इन दोनों के जो editor थे that was महात्मा गांधी. Now from constitution, fundamental rights से related ये question है. What is the literal meaning of the term habeas corpus? Writs जो article 32 के under मिलती हैं, उसमें से एक writ है habeas corpus. आपको बताना है इसका literal meaning क्या है. We command to forbid by what authority या to have the body. So it is the literal meaning of habeas corpus is to have the body. क्वेश्चन नंबर 19, नेम द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया. भारत की सबसे लंबी लेक का नाम आपको बताना है, लॉन्गेस्ट लेक का नाम. सो भारत की सबसे लंबी
लेक जो कि अराउंड 96.5 किलोमीटर की आप एक तरह से कहें डिस्टेंस पे स्प्रेड है और केरला में वो स्थित है, वेमनन लेक उसका नाम है। और यहां पर एक बहुत फेमस रेस भी होती है, दैट इज कॉल्ड स्नेक रेस, ठीक है, बोट्स की ही रेस होती है, ठीक है, हाउस बोट जो होती है वो इन द शेप ऑफ स्नेक होती है, उसमें उसी की रेस होती है इस पर्टिकुलर लेक में। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के जंक्शन पे कौन सी हिल्स पाई जाती हैं? नीलगिरी, शिवराय, जावदी, अन्नमलाई। सो नीलगिरी हिल्स जो हैं दैट आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। बायसरन वैली, बेताब वैली, अरू वैली आर लोकेटेड इन। टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जेएनके से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तीनों वैली बहुत फेमस वैलीज हैं, ये कहाँ लोकेटेड हैं? सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम या सोपोर। सो दीज आर लोकेटेड इन पहलगाम। धांधीधर फोर्ट वॉज बिल्ट बाय। धांधीधर फोर्ट जो है वो किनके द्वारा बनाया गया था? गुलाब सिंह, सचेत सिंह, मियां हाथू या अता मोहम्मद खान। सो धांधीधर फोर्ट वॉज बिल्ट बाय मियां हाथू। क्वेश्चन नंबर 24, द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म भारतनाट्यम ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट। भारतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है वो किस स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। सो भारतनाट्यम द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया हैज इट्स ओरिजिनेशन फ्रॉम द स्टेट तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉन द सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन द मेन्स शॉर्ट पुट F46 इवेंट एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक्स। सो पेरिस में जो पैरालंपिक्स हुए, जो डिसेबल पर्सन की जो आप एक तरह से ओलंपिक्स हुए, वहां पर भारत के लिए सिल्वर मेडल किसने जीता? मोहम्मद यासीर, सचिन खिलेरी, रोहित कुमार, प्रणव सूरमा। सो द करेक्ट आंसर इज, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पोर्ट्स, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स मेंशन है, रिसेंटली पेरिस ओलंपिक्स हुए, पैरालंपिक्स हुए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर्स के पॉइंट से सोचें या स्पोर्ट्स के पॉइंट से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक्स में जितनों ने भी भारत के लिए मेडल जीते हैं उन सबका नाम, उनकी कैटेगरी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, कवच टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू। करंट अफेयर से ये क्वेश्चन है, कवच टेक्नोलॉजी जो है, कवच टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू, कवच जो टेक्नोलॉजी है वो किससे रिलेटेड है? रेलवेज, क्रिप्टो करेंसी, माइनिंग या ऑटोमोबाइल। इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है, ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिससे जो ट्रेन्स की कोलिजन होता है उसे अवॉइड किया जा सके, ठीक है। तो ट्रेन की प्रोटेक्शन के लिए, रेलवेज की प्रोटेक्शन के लिए ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है ये। क्वेश्चन नंबर 27, रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इनॉग्रेटेड। सो अभी रिसेंटली ओम शेप में एक टेम्पल जो है इनॉग्रेट किया गया है, वर्ल्ड का पहला टेम्पल जो कि ओम शेप में है वो कहां किया गया है? इट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में इसे इनॉग्रेट किया गया है एंड दिस टेम्पल इज इन ओम शेप्ड। 135 हाइट फीट की जो है इसकी हाइट है और ये लॉर्ड शिवा को डिवोटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 28, रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली has declared which year as the international year of quantum science and technology. तो United Nations General Assembly, one of the major organ of United Nations, उसने अभी recently एक साल को declare किया है as a international year of quantum science and technology. International year of millets को declare होता है, girl child के लिए होता है, अलग अलग साल को इस तरह से declare किया जाता है ताकि उस पूरे साल उस particular topic पे जो है focus किया जाए world level पे।
सो रिसेंटली एक साल को डिक्लेयर किया गया है, वो कौन सा है ये आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज 2025, आने वाला साल जो है इसे डिक्लेयर किया गया है एज अ ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन वाज आसियान एस्टैब्लिश, आसियान को कब बनाया गया, 1999, 1997, 1967, 1976. इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जिसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है केंद्रीय सरकार द्वारा। लैंग्वेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, टॉपिक मेंशन है आपके सिलेबस में, उर्दू, तमिल, हिंदी या असमिस। सो तमिल को है ये पहली, जो आप एक तरह से कहें जिसे लैंग्वेज है जिसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। सो इसके साथ आज के हमारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। वी हैव डिस्कस 30 क्वेश्चंस, मिक्स थे कुछ, मोस्टली इट वाज फ्रॉम द जेएनके जनरल नॉलेज। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए एमसीक्यूज लेके आऊंगी। सो दैट इज इट फॉर टुडे सेशन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।